हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो आज का टॉपिक ना बहुत ही एक अलग वाला टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा बहुत ही आगे का सोच रखने वाला एक चैनल है। तो इसी वजह से थोड़ा सा आगे सोचेंगे कि आगे क्या हो सकता है, मतलब 2022 के आईपीएल में अगर दो टीमों का एंट्री होता है तो कैसा नियम, कैसा रूल होना चाहिए, वो थोड़ा सा हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और आईपीएल फैंस के लिए एक मतलब बहुत ही बढ़िया ये वीडियो होने वाला है। और आप लोगों का राय भी आप लोग जरूर से इस वीडियो में देंगे, क्योंकि आपका राय भी बहुत ही वैल्यू हो सकता है। मैं भी बताऊंगा, आप भी बताएंगे, तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा कि आपका राय क्या है, मैं जो नियम बताऊंगा उसके अगेंस्ट आपका राय क्या है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद है, मतलब इतना सा भी अगर पसंद आता है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को भी जरूर से जरूर दबाइए। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट रूल की बात करें, तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है दो टीमों का आप इंट्रोड्यूस कराइए कि कौन कौन सा टीम हो सकता है। तो ये फर्स्ट रूल है, मतलब रूल नहीं है, बस नियम है कि आपका जो 8 टीम है, 8 टीमों से आप 10 टीम होने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारा आईपीएल के लिए और हम फैंस के लिए भी, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा मैच देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये फर्स्ट रूल या कहे फर्स्ट थियोरी हो सकता है कि पहले दो टीमों का आप इंट्रोड्यूस कराइए। तो उसके बाद जो करना पड़ेगा वो है, मुझे लगता है कि सभी टीमों को, मतलब जो जो 8 टीम मतलब है अभी, सभी टीमों को 2 रिटेंड और 1 आरटीएम प्लेयर्स रखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप 3 प्लेयर्स से ज्यादा किसी भी टीम को रखने के लिए दे देंगे, तो ये जो और 2 टीम आने वाला है उसके साथ फेयर नहीं होगा। क्योंकि अगर 5 प्लेयर्स को आप एक टीम में रख देते हैं तो उनका जो कोर है वो पहले से ही रेडी हो जाता है और जो नया टीम आता है वो एक फ्रेश मतलब प्लेयर्स को, मतलब अच्छा प्लेयर्स को नहीं खरीद सकता है। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि 2 आप प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए दीजिए, जो 8 टीम है पहले का, और जो 1 आरटीएम कार्ड रखिए जो कि नीलामी में वो यूज कर सकेंगे, तो ऐसा कुछ रखिए, तो बहुत ही बढ़िया होगा जो आने वाला 2 टीम है उसके लिए। तो मुझे तो लगता है कि ये करना चाहिए रिटेन और आरटीएम के लिए। तो आप लोगों क्या लगते हैं कि मतलब कितना प्लेयर्स को रिटेन करने को, मतलब करने के लिए दिया जाए, वो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका राय भी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। आप लोगों के मुताबिक क्या लगता है कि कितना प्लेयर्स को पहले से स्क्वाड में, मतलब मेगा नीलामी के पहले अपने टीम में रखना चाहिए, वो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट कीजिए और बताइए। उसके बाद जो नया रूल होना चाहिए कि जो 2 नया टीम आने वाला है, उस दोनों टीमों को सबसे पहले, मतलब जब सभी टीमों से रिटेंड और मतलब आरटीएम तो नीलामी के वक्त होगा, लेकिन जो 2 खिलाड़ी को रिटेंड करा हो जाएगा, उसके बाद जो जो प्लेयर्स बाहर अवेलेबल हो जाएंगे उनमें से जो नया टीम आएगा उनको सबसे पहले चांस देना चाहिए कि वो लोग, इस सभी जो प्लेयर्स लोग बाहर आ गए हैं, मतलब सभी टीमों से जो लोग बाहर आ गए हैं, वहां से कोई भी 2 खिलाड़ी को चूज करके अपने टीम में शामिल कर ले, तो इनके मदद से उन 2 टीमों के साथ भी फेयर हो जाएगा कि वो लोग पहले से चूज कर सकते हैं कि अपना कप्तान, अपने टीमों का कप्तान कौन हो सकता है, या फिर मोस्ट वैल्यूएबल 2 खिलाड़ी को वो अपने टीम में रख सकता है। तो ये पहले करा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीलामी में भेज देते हैं तो नीलामी में बड़े बड़े टीम लोग बड़े बड़े खिलाड़ी को पहले से ही खरीद लेगा या फिर आरटीएम कार्ड का यूज कर लेगा। तो इसी की वजह से आरटीएम कार्ड का यूज करने से पहले अगर और जो 2 मतलब नया टीम आएगा उनको अगर अपना 2 बड़ा खिलाड़ी मतलब अपने टीम में शामिल कर लेता है, तो उन दोनों टीमों का भी अच्छा होगा और क्वालिटी ठीक ठाक रहेगा, मुझे तो लगता है। आप लोगों इसके बारे में क्या है वो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करके बता। उसके बाद जो रूल आता है वो मुझे लगता है कि 5 फॉरेन प्लेयर्स रूल कर देना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए। अगर आप 10 टीम करते हैं, मतलब इंक्लूड करते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि आईपीएल में बहुत ही कम संख्यक बढ़िया खिलाड़ी, इंडियन बढ़िया खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ रहता है, बहुत ही कम संख्यक। अगर आप बताएं कि सभी और 2 टीम आएगा तो 2 टीम में 7-7 14 खिलाड़ी टोटल हुआ, 14 खिलाड़ी में से अगर आप देखें, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 14 ऐसा कौन खिलाड़ी है जो कि और जो 2 टीम आएगा उनमें शामिल हो सकता है। मुझे तो नहीं मतलब अभी याद आ रहा है कि
क्वालिटी, क्वालिटी कैसा मतलब कैसे दे सकता है, मतलब इतना इंडियन प्लेयर्स नहीं है जो कि उतना क्वालिटी प्रदान कर सकता है। एक इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है, इंडियन खिलाड़ी का जो ग्रुप है वो ज्यादा ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी उतना भी नहीं है कि वो लोग इंटरनेशनल के मतलब इंटरनेशनल बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी के सामने खेले और अच्छा परफॉर्म करे। तो अगर आप 10 टीमों के साथ क्वालिटी भी देना चाहते हैं आईपीएल को, तो मुझे लगता है कि 5 फॉरेन प्लेयर्स रूल कर देना चाहिए, क्योंकि फॉरेनर्स भी मतलब आप सनराइजर हैदराबाद को देखिए, मोहम्मद नबी, जेसन रॉय, ऐसा बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी बेंच पर बैठा हुआ रहता है, वो लोग अगर प्लेइंग 11 में आ जाता है तो खेल बहुत ही मजेदार होने वाला है, मतलब हो भी सकता है। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि अगर आप आईपीएल को और भी ज्यादा ऊपर ले जाना चाहते हैं तो 5 फॉरेन प्लेयर्स रूल कर दीजिए, क्योंकि उससे फॉरेन प्लेयर्स का भी आना आईपीएल में ज्यादा बढ़ेगा और मतलब रेवेन्यू बाहर जाता है तो ठीक है, लेकिन आईपीएल का पॉपुलैरिटी बढ़ने वाला है अगर ऐसा कर देता है। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा करना ही चाहिए। आप लोग क्या लगता है कि 5 फॉरेन प्लेयर्स रूल क्या लागू करना चाहिए, वो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर रूल भी बता सकते हैं या फिर नियम भी बता सकते हैं, कि आईपीएल अगर 10 टीमों का होता है तो मैचेस कितना पड़ सकता है। तो मैं जो देखा उसमें 94 टोटल मैचेस होने वाला है, और अगर 94 मैचेस होता है तो वहां पर प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम रेशियो बढ़ जाएगा। मतलब तो आप अगर पिछले आईपीएल को देखें तो 1.5 महीने में लगभग आईपीएल खत्म हो जाता था, लेकिन इस आईपीएल को कराने में मुझे लगता है कि लगभग 2 महीने का टाइम लगने ही वाला है, क्योंकि अगर 2 महीने आप नहीं रखते आईपीएल के लिए तो आईपीएल कराया नहीं जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बीसीसीआई मैनेज करता है ठीक से तो आईपीएल 2 महीने के लिए भी अगर होता है तो बीसीसीआई का ही लाभ होगा और आईपीएल का रेवेन्यू भी बहुत ही जनरेट होगा, क्योंकि जितना मैच बढ़ेगा उसके साथ जो ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदने वाला जो कंपनीज है वो लोग ज्यादा पैसा पे करने वाला है, और उससे बीसीसीआई का भी फायदा होगा और आईपीएल का भी फायदा होगा और उसके साथ क्रिकेट का भी फायदा होगा। मतलब बीसीसीआई, मैं एक बढ़िया बात आप लोगों को बताता हूँ कि बीसीसीआई आईपीएल से जो कमाता है उसका बहुत सारा रेवेन्यू आईसीसी को भी जाता है, और आईसीसी वहां से सभी टीमों के मतलब जो कम पैसे वाला बोर्ड है उनके पास भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसकी वजह से आईपीएल होगा तो क्रिकेट का ही अल्टीमेटली लाभ होने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि इसमें कोई भी दौरा नहीं है, 90 मैचेस होता है तो भी बहुत ही बढ़िया होगा, और हम फैंस तो देख नहीं बनता है, मतलब देखेंगे जितना मैच देंगे उतना मैच देखेंगे, उसमें कोई भी दौरा नहीं है। उसके बारे में आप लोगों का क्या राय है कि आप लोग देखेंगे ना, अगर आईपीएल मतलब 90 मैच का होता है तो आईपीएल देखेंगे ना, डेली देखेंगे ना, वो जरूर से कॉमेंट कर दे मतलब करके बताइए कि डेली देखना है आईपीएल, तो जरूर से कॉमेंट कीजिए। तो उसके बाद लास्टली जो नियम मुझे लगता है कि एड करना चाहिए वो है, आप अगर आईपीएल खिलाते हैं तो आप एक एसोसिएट प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में रखिए। ये एक बहुत ही बढ़िया रूल हो सकता है, एक या दो भी अगर रखते तो और भी बेहतर होगा एसोसिएट टीम मतलब टीम्स के लिए, क्योंकि एसोसिएट टीम कौन कौन सा है, जैसे कि आप नेपाल को पकड़ लीजिए, वो एक एसोसिएट टीम है, यूएई एक एसोसिएट टीम है, उसके बाद नीदरलैंड एसोसिएट टीम है, स्कॉटलैंड एसोसिएट टीम है, ये सब टीमों से अगर दो खिलाड़ी या फिर एक खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में आकर खेलता है तो उनके टीमों के अंदर भी एक कंपटीशन रहने वाला है, मतलब कि वो इस साल गया है तो मुझे भी अगले साल आईपीएल खेलना है, तो ऐसा कुछ मतलब रहने वाला है टीम के अंदर, तो इसकी वजह से क्वालिटी बेहतर होगा सभी टीमों का। तो मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा होता है मतलब 2 टीमों का एक्स्ट्रा बढ़ना होता है तो उसके साथ आप एसोसिएट 2 खिलाड़ी या फिर 1 खिलाड़ी को आप अपने टीम में रखिए, मतलब अगर टोटल 10 खिलाड़ी को 10 टीमों में एसोसिएट खिलाड़ी को रखा जाता है तो वो टीमों का भी फायदा होगा, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जान पाएगा कि कैसा क्वालिटी मतलब लगता है कि असली बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में निखरने के लिए। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि अगर आप एसोसिएट खिलाड़ी को इंट्रोड्यूस करते हैं आईपीएल में, मतलब रूल बना देते हैं कि सभी फ्रेंचाइजी को एक करके ऐसे खिलाड़ी रखना ही पड़ेगा, तो ये बहुत ही बेहतरीन एक नियम हो सकता है। और उसके साथ मुझे लगता है कि 2 अनकैप इंडियन खिलाड़ी को भी अपने टीम में रखना चाहिए, और मतलब टीम में रखो, प्लेइंग 11 में जगह नहीं तो भी चलेगा, लेकिन टीम में रखो। तो ये रूल बना देना चाहिए कि सभी टीमों को रखना ही पड़ेगा, 2 अनकैप्ड और 1 एसोसिएट, अगर 2 एसोसिएट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये रूल आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर से कमेंट कीजिए और बताइए। तो कुल ये सभी रूल था जो कि मुझे लगता है कि आईपीएल 2022 के लिए अप्लाई करना चाहिए, और अगर ऐसा होता है 2022 तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और आप लोग ही बताइए कि मैं जो जो रूल बताया, जो जो नियम बताया, जो जो थ्योरी बताया, वो आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग मुझे जरूर से कॉमेंट कीजिए और बताइए। और ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा ही पसंद आता है और थोड़ा सा भी डिलीट कर सकते हैं इस वीडियो से, तो जरूर से इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों में, और दोस्तों की दोस्तों को भी बताइए कि कैसा हो सकता है अगर ऐसी तरह से आईपीएल होता है। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही बढ़िया अगर होगा ऐसा अगर आईपीएल हो, तो आप लोगों को क्या लगता है जरूर से कमेंट कीजिए बताइए। और आज के लिए बस इतना ही, और एक बात बताओ नहीं बाद में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, थैंक यू, गुड बाय, नहीं गुड बाय नहीं, बाय बाय सर।